ये दुनिया इतनी बड़ी है और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है जो कि आज भी अनसॉल्व्ड है। इन्हीं में से एक मिस्ट्री है ट्रेविस वॉल्टन यूएफओ इंसिडेंट्स। ट्रेविस वॉल्टन इस दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से एक है जो कि ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है। ट्रेविस का ये कहना है कि उनको कुछ एलियंस ने एबडक्ट यानी कि अगवा किया था। ट्रेविस की ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ट्रेविस कौन है और उसकी स्टोरी क्या है। ट्रेविस यूएसए की अपाची सिट ग्रेव्स नेशनल फॉरेस्ट का एक ऑफिसर था जो कि अपने 6 को पार्टनर्स के साथ जंगल के सारे पेड़ पौधों का ध्यान रखता था। ट्रेविस अपनी ज़िंदगी बड़े ही मज़े से बिता रहा था, पर एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। 5 नवंबर 1975 दिन था वेडनसडे। शाम के करीबन 6:30 बजे के आसपास ट्रेविस और उसके 6 दोस्त अपना अपना काम ख़त्म करके घर वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें आसमान में एक अजीब सी चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। वो लोग अपनी कार को रोड के साइड में लगाकर उस लाइट को ऑब्जर्व करने लगते हैं। वो लाइट एक अजीब से गोलाकार उड़न तस्तरी से आ रही थी जो कि ज़मीन से लगभग 110 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। वो लोग उस उड़न तस्तरी को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, पर ट्रेविस अपनी कार से उतरकर उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पास जाने लगा। ट्रेविस को उसके दोस्तों ने रोकने की भी कोशिश की, पर ट्रेविस उस ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे जाकर उस ऑब्जेक्ट को देख ही रहा था। तभी उस ऑब्जेक्ट से एक ब्लू बीम ऑफ लाइट निकलती है जो कि सीधे ट्रेविस पर पड़ती है और ट्रेविस अचानक कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर ट्रेविस के दोस्त अनकॉन्शियस हो जाते हैं और तुरंत अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं। फिर कुछ दूर तक जाने के बाद उनके दोस्तों को लगता है कि उन्हें वापस जाकर ट्रेविस को ढूंढना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से वापस यू टर्न लेते हैं और फिर वही जगह पर आ जाते हैं जहाँ से ट्रेविस गायब हुआ था। वो लोग ट्रेविस को काफ़ी देर तक ढूंढते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब तक आसमान से वो लाइट भी गायब हो चुकी थी। उन लोगों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अगली सुबह को जब पुलिस वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें कोई क्लू नहीं मिला, पर उन्होंने ये नोटिस किया कि जिस जगह से ट्रेविस गायब हुआ था वहाँ के पेड़ पौधे बहुत हेल्दी थे और बाकी जंगल के मुकाबले ज़्यादा हरे भरे भी थे। अब तक 4 दिन बीत चुके थे पर ट्रेविस का अभी तक कोई पता नहीं चला था। पर ठीक 5वें दिन की सुबह को ट्रेविस उसी जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया और उसके होश में आने के बाद उनसे ये पूछा कि उस रात को उनके साथ क्या हुआ था। फिर ट्रेविस ने कहा कि जब वो ब्लू लाइट बीम मेरे ऊपर पड़ी थी तब मुझे थोड़े मोड़े चक्कर आ रहे थे और मुझे बहुत हल्का फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ और उसके बाद मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। पर जब मुझे होश आया तब कुछ लोग मुझे एक बेड पर लिटाकर कहीं ले जा रहे थे। उन लोगों का सर एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा बड़ा था और उनकी हाइट अराउंड 5 फीट की थी और वो लोग एक येलो कलर का सूट पहने हुए थे। फिर उन लोगों ने मेरे मुंह पर एक मास्क रखा। जैसे ही मैंने उस मास्क के थ्रू सांस लिया तब मैं बेहोश हो गया था और जब मेरी आंखें खुली तब मैं इस हॉस्पिटल में था। ट्रेविस की इस बात को सुनकर उनके दोस्त और पुलिस भी हैरान हो गए। ट्रेविस के शरीर पर कुछ निशान भी थे जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। पुलिस के काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि उस जगह पर वो यूएफओ काफ़ी बार देखा जा चुका है, पर ट्रेविस के देखे जाने के बाद वहाँ पर वो यूएफओ कभी वापस नहीं दिखा। कुछ यूएफोलॉजिस्ट को ट्रेविस की बात सच लग रही थी, पर एक यूएफोलॉजिस्ट जिसका नाम था जिम लेडविथ,
उनको ये लग रहा था कि ट्रेविस के दोस्त झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने ट्रेविस के दोस्तों का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाया। और इस स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब उनके दोस्तों ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट को बड़े ही आसानी से पार कर लिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ट्रेविस और उनके दोस्त जो भी बात बोल रहे थे वो सब सच था, और ट्रेविस को सच में किसी UFO ने किडनैप किया था। उसी साल USA के द नेशनल इंक्वायरर ने ट्रेविस को और उनके दोस्तों को भी बेस्ट UFO स्टोरी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, और साथ में $5,000 का चेक भी दिया। फिर 1978 में ट्रेविस ने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था द ट्रेविस एक्सपीरियंस, जिसमें उन्होंने अपने और उस UFO के एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल से लिखा है। 1993 में उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था फायर इन द स्काई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो या फिर राइट वाली प्लेलिस्ट को चेक करें।